बेतियाहाता स्थित एक क्लिनिक में 14वां विश्व निद्रा दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष मनाई जाने वाली विश्व निद्रा दिवस अवसर पर निद्रा के बारे में जागरूकता पैदा करना और उसका स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर पर चर्चा की गई। इसके संबंध में एमडी चेस्ट डॉक्टर नदीम अरशद ने बताया कि नेचुरल डेलाइट में बॉडी क्लॉक को सेट करके अपने को एक्टिव बनाकर नियमित एक्सरसाइज करने, सोने से पहले अपने आप को हर चीज़ से दूर करके तथा अपने आप को पॉजिटिव इमोशन रखें तो अच्छी नींद प्राप्त हो सकती है। उन्होंने कहा कि स्लीप मेडिसिन के रूप में निद्रा एवं इससे जुड़ी बीमारियों जैसे मोटापा, खर्राटे, बात बात पर गुस्सा होना, डायबिटीज एवं रक्तचाप पर नियंत्रण होना सहित अन्य बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा कर उसका निदान करना ही मुख्य उद्देश्य है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एमडी चेस डॉक्टर नदीम अरशद ने कहा, आज वर्ल्ड स्लीप डे है। ये वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी द्वारा हर साल ये मार्च के जो फर्स्ट फ्राइडे पड़ता है, फर्स्ट सेकंड फ्राइडे जो जिसमें दिन और रात बराबर होता है 12 घंटे, इसके बाद जो फ्राइडे होता है उसी को ये उसी दिन ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि स्लीप के बारे में जागरूकता पैदा करना और स्लीप डिसऑर्डर्स है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अक्सर मरीज को रात में पूरी तरह से नींद नहीं आती और नींद आती भी है तो अपने को सुबह फ्रेश नहीं कर महसूस करता। उसका रीज़न ये होता है कि नींद जो है उसकी फ्रेगमेंटेड होती है, बीच बीच में नींद छुट्टी रहती है, लगती रहती है, जिससे उसको पता नहीं चलता। और अक्सर ऐसे मरीजों को खर्राटा बहुत होता है, अक्सर बगल वाले जो सोते हैं वो कहते हैं साहब मरीज जो है वो खर्राटा देता है। तो जो खर्राटा जो है ये एक स्टेज है। अब खर्राटा के साथ साथ अगर मरीज को दिन में नींद जैसे महसूस हो, झपकी आने लगे, बात करते करते, टीवी देखते देखते, गाड़ी चलाते चलाते अगर झपकी आने लगे और उठने के बाद अपने को फ्रेश महसूस ना करे, तो अक्सर देखा गया है इसमें स्लीप एपनिया सिंड्रोम तक की बीमारी होती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस जो रुक जाती है मरीज को, पूरी तरह से ऑक्सीजन ब्लड में नहीं पहुँचती, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और साथ साथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से इस पर जो है वो हार्ट पर असर पड़ता है, जिससे मरीज को हार्ट डिजीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है और डायबिटीज होना भी हो सकती है। तो स्लीप एपनिया सिंड्रोम की सब तो जांच करने के लिए हम लोग एक जांच करते हैं, उसका नाम है PST पॉलीसोनोग्राफी। तो इंस्पेक्शन तो हमें लगाया हुआ है, इसमें जो जितने भी होते हैं एलिमेंट्स सब हम लोग इसको लगा देते हैं और मरीज को कहते हैं आराम से सो जाए। और मरीज जब सो के उठता है तो उसको निकाल देते हैं, उसको फिर कंप्यूटर में डाल करके इसकी ट्रेसिंग लेते हैं और ट्रेसिंग से पता लगता है कि कितना स्लीप है, इसको स्लीप डिस्टर्बेंस कितना है। स्लीप डिस्टर्बेंस का नापने का दो तरीका होता है, एक जिसमें सांस कंप्लीट रुक जाती है जिसको हम लोग कहते हैं एपनिया, और एक जिसमें सांस 50% रुकती है उसको कहते हैं हाइपोएपनिया। तो एपनिया हाइपोएपनिया एक घंटे में कितनी बार होता है उसको हम लोग कहते हैं AHI पर आवर। तो जो AHI 0 से 5 तक तो नॉर्मल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा है AHI तो इसको हम लोग फिर सिग्निफिकेंट मानते हैं। इसकी कैटेगरी है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। 5 से 15 है तो ये जो है माइल्ड है और 15 से 30 है तो मॉडरेट है, मोर देन 30 सीवियर है। माइल्ड के लिए तो हम लोग सिंपल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं कि मरीज जो करवट सोए और रात के हल्का नाइट में नेजल प्रोसेस हो, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन उसको दूर करें, वो अपने आप में बिना सिंपल दवा से ठीक हो जाता है। लेकिन जो मॉडरेट स्लीप एपनिया होती है या सीवियर होती है उसके लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको कहते हैं CPAP, कंटीन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर, वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। होता है उसको हम लोग CPAP का इस्तेमाल करते हैं। ये CPAP किस तरह का होता है, इसको नेजल मास्क के जरिए मरीज को लगा देते हैं, सोने से पहले इसको फिट कर देते हैं। 1-2 दिन तक मरीज को परेशानी अड़चन हो सकती है, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। और इसको लगने के बाद हम लोग इसको टेस्ट करते हैं कि कितना स्लीप एपनिया बचा है, 0 से 5 होना चाहिए। अगर 0 से 5 हो गया है तो इसका मतलब पेशेंट कंट्रोल है। और मरीज खुद कहता है कि साहब हम पहली बार तक बहुत कम्फर्टेबली सोए, लगता कि हाँ मुझे नींद अच्छी आई। ये सबसे कारगर ट्रीटमेंट है, दैट इज द ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट। बाकी जो ट्रीटमेंट मल्टीपुलर ऑपरेटर द्वारा इस्तेमाल करते हैं और भी दवाएं वगैरह भी आई हुई हैं, लेकिन जितनी इफेक्टिव CPAP है उतना स्लीप एपनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
आज वर्ल्ड स्लीप डे है, ये हर साल स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी इसको मनाती है। इसका मेन उद्देश्य है स्लीप डिसऑर्डर के बारे में मरीजों को बताना कि क्या होता है स्लीप डिसऑर्डर्स और इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या इसके लक्षण हैं और कैसे इससे बचा जाए, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो स्लीप में ये होता है कि अक्सर मरीज जो होता है नॉर्मल स्लीप लेता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अक्सर देखा गया है मरीज जब सो के उठता है कुछ मरीजों में अक्सर अनफ्रेशनेस महसूस होती है और अक्सर वो कहता है मरीज की लोग बताते हैं कि साहब अक्सर मुझे रात में खर्राटे आते हैं। खर्राटे स्लीप एपनिया का बहुत अर्ली स्टेज है और अगर खर्राटे के साथ साथ मरीज को दिन में झपकी आती हो, दिन जिसे कहते हैं डे टाइम स्लीपनेस, वो भी होती है और साथ साथ में ऑक्सीजन का लेवल भी, क्योंकि सांस रुक जाती है तो पूरी मात्रा में ऑक्सीजन ब्लड में नहीं पहुंचती, तो अक्सर जो है सैचुरेशन जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो अगर डे टाइम स्लीपनेस है, खर्राटे हैं और ऑक्सीजन का सैचुरेशन 4% से कम हो जाता है स्लीप में, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। ये एक तरह की बीमारी होती है और इस बीमारी का इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर इस बीमारी को नहीं ट्रीटमेंट किया जाएगा तो आगे चल के इसके कॉम्प्लिकेशन जैसे डायबिटीज़ होना, ब्लड प्रेशर होना, हार्ट अटैक होना और सबसे ख़तरनाक बीमारी जो है इसके होती है अक्सर जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है, खास ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, यानी गाड़ी चलाते चलाते झपकी आ गई और मरीज़ का एक्सीडेंट हो गया। तो ये स्लीप एपनिया के कॉम्प्लिकेशन है। इसका सबसे कारगर ट्रीटमेंट है पहले इसकी जांच की जाए। इसकी जांच जो होती है एक स्लीप टेस्ट या पॉलीसोमनोग्राफी PSG के थ्रू होती है, जिसमें एक जो है वो एलिमेंट्स बांध देते हैं, जितने चैनल्स हैं उसको लगा देते हैं, मरीज़ को कहते हैं कि चैनल्स को घड़ी की तरह पहन करके सो जाए और उसको फिर सोने के बाद जब उठता है तो उसको निकाल देते हैं, उसको कंप्यूटर में डाल के इसकी ट्रेसिंग लेते हैं, उससे पता लग जाता है कि स्लीप एपनिया है कि नहीं है, इसको खर्राटे हैं कि नहीं है। अगर स्लीप एपनिया माइल्ड है तो उसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, कुछ चीज़ें सावधानी बरतने से वो ठीक हो सकती है, लेकिन अगर मॉडरेट और सीवियर स्लीप एपनिया है तो हमको सबसे कारगर ट्रीटमेंट जो है वो CPAP ट्रीटमेंट है। CPAP एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो नेजल मास्क के थ्रू मरीज को लगा दिया जाता है, उसके प्रेशर से जो सांस चिपकती थी वो चिपकती नहीं, आराम से मरीज सांस लेता है और सुबह जब उठता है तो अपने को तरोताज़ा फ्रेश महसूस होता है और भी जो कॉम्प्लिकेशन उससे भी बचा जा सकता है। यही इसका सबसे कारगर ट्रीटमेंट।